हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। वी वर स्टडिंग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इन दैट चैप्टर वी वर स्टडिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, द टॉपिक वॉज अ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इन दैट वी वर स्टडिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट टू दैट टॉपिक इज बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स में ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट जो मैंने कल आपको बताया था, तो उसमें ये पता लगा कि प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स है, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। ओके, किस में हमने पढ़े थे ना, हीट किल्ड। ये ऑलरेडी स्टडीड हीट किल्ड एस सेल्स। ओके, टू सी विच वन को ट्रांसफर लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल। कौन ट्रांसफ़र कर पाएगा लाइव आर सेल्स को एस सेल्स में। ओके, तो हमने क्या डिस्कवर किया, क्या ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट क्या बताता था। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। जो डीएनए होगा वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। और क्या डिस्कवर किया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जैसे प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, आरएनएसिस बोलते हैं उसे। ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ना प्रोटीन है ना आरएनए। तो डाइजेशन जो होता है डीएनए में वो इनहिबिट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। ये इसमें इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता लगा डीएनए इज़ द हेरिडिटरी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होता है हेरिडिटरी मटेरियल। कल जो मैंने आपको बताया था कि एस स्ट्रेन जो है इंजेक्ट किया गया माइस में, माइस मर गया। फिर आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में, माइस लाइव रहा। ओके, तो हमने इसमें माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन के कारण वो माइस जो गया मर जाता है। पर जो माइस में जिसमें आर स्ट्रेन था उनमें निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि जो बैक्टीरिया हैं ग्रिफ ने क्या देखा था, जो बैक्टीरिया हैं वो हीट से मर जाते हैं। तो हीट से मर जाते हैं तो क्या किया उसने, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया और ट्रांसफॉर्म किया, इंजेक्ट किया माइस में। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस। माइस में जब इंजेक्ट किया तो माइस क्या हुआ, वो जिंदा रहा। ओके, पर उसी जिसमें किल्ड हो चुके हैं बैक्टीरिया जब उसको ट्रांसफ़र किया तो इंजेक्ट किया माइस में तो माइस मर गया। इसका मतलब कोई मटेरियल ऐसा है जिससे कि वो लाइव रहा स्ट्रेन। कैसे लाइव रहा, इट इज़ ड्यू टू द डीएनए। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ओके, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट्स दिए है किसने, हर्शे और चेज ने। हर्शे एंड चेज ने ये कब दिया, 1952। क्लियर, उन्होंने वायरस पे वर्क किया जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया। दे वर्कड विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जिनको बोलते हैं कॉल्ड बैक्टीरियो फेजेस। ओके, तो बैक्टीरियो फेजेस क्या करते हैं, वो अटैच हो जाते हैं बैक्टीरिया के, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है। उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरियल सेल में
एंटर कर जाता है। तो बैक्टीरियल सेल ट्रीट करता है वायरल जेनेटिक मटेरियल को जैसे कि वो उसका अपना ही है, और इसका और वायरस पार्टिकल्स बनाता है। तो हर्षी और चेज ने केस पे वर्क किया कि प्रोटीन है कि डीएनए है, डीएनए है कि प्रोटीन है, पहले ये क्लियर नहीं था, जो कि एंटर करता है बैक्टीरिया में, क्लियर। तो उन्होंने क्या किया, एक वायरस एक मीडियम में उगाया, मींस उसको ग्रो किया, डेवलप किया वायरसेस ऑन अ मीडियम जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। क्या था, ऐसे मीडियम में उगाया वायरस को जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, ओके। तो और सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। कुछ वायरस को किस पे लगाया, जहाँ पर था रेडियो एक्टिव सल्फर। तो वायरस जो ग्रो हुए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, उनमें क्या पाया गया, रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्यों, क्योंकि डीएनए क्या कंटेन करता है, फॉस्फोरस, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है और डीएनए में फॉस्फोरस होता है, क्लियर। तो जो वायरसेस ग्रो हुए रेडियो एक्टिव सल्फर में, जो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो हुए, दे कंटेन, इसमें उल्टा था, इनमें था रेडियो एक्टिव प्रोटीन था बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है, ओके, डीएनए में सल्फर नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू, अब रेडियो एक्टिव फेजेस को क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया, अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, जैसे ये देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। देखो साथ साथ बनाने से क्या होता है, एक तो आपको बोर नहीं लगता, दूसरा आपको बहुत अच्छे से समझ आता है, ओके, और तीसरा आपको माइंड में इत बहुत अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप साथ साथ इसको करोगे, ओके। अब ये इसमें हमने यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज बनाएंगे, सिंपल फटाफट से मैं एक बना देती हूँ, क्योंकि हेयर आई एम नॉट हेयर टू ड्रॉ, मेरे को अपनी ड्राइंग नहीं बतानी है, एज अ साइंस स्टूडेंट ऑब्वियसली ड्राइंग अच्छी है मेरी, बट हेयर मुझे लगता है आपको फटाफट से मैं समझा दूँ, आई शुड नॉट वेस्ट टाइम इन मेकिंग डायग्राम्स, ओके, ठीक है। ये एक बैक्टीरियोफेज हो गया, ओके, ठीक है, ये क्या है, ये बैक्टीरियोफेज जो किससे अटैच हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज रेडियोएक्टिव फेजेस अटैच टू, ये क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया से अटैच हो जाएगा, ये बैक्टीरियोफेज है, ये रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए, ये क्या है, तो पहले ऊपर वाला अलग कर दें, दिस इज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल डीएनए, ये क्या है, दिस इज रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है,
ये डिफरेंस है, ठीक है। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया से थोड़ा सा लंबा बन गया, इट्स ओके। ये दोनों यहाँ अटैच्ड होगा, क्लियर। ये यहाँ अटैच हो गए, ओके। फर्स्ट में ये इन्फेक्शन हुआ, उससे अटैच्ड हुआ, इन्फेक्टेड बाय द वायरस, ओके। ये हर्षी और चेज एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, रेडिएटिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया, ओके। वायरल कोट्स जो होती हैं वो रिमूव हो गई बैक्टीरिया में, ब्लेंडर में डालने से क्या होता है, वायरस कोट जो होती हैं बैक्टीरिया वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो वायरस पार्टिकल सेपरेट हो गए बैक्टीरिया से जब उन्हें सेंट्रीफ्यूज में डालेगा। तो बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट इज रेडिएटिव डीएनए, ओके, वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए जो मटेरियल है वो पास हुआ वायरस से बैक्टीरिया में। अब इसका डायग्राम, वैसे तो मैं इसको आपको समझा ही चुकी हूँ, पर इस तरह से डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, वो समझाने की वे में एक अलग है, ओके। इसको बना लीजिए इस तरह से, क्लियर। फिर इसको ब्लेंड किया गया, बताएं जब ब्लेंड किया गया तो सेपरेट हो गया, ऐसे उछल के उसको ऐसे अलग बना दीजिए, ब्लेंडिंग से जो आउटर लेयर है से वो सेपरेट हो गया, ओके। फिर क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन से भी उसका सेपरेशन किया गया, ओके। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन से वो बिल्कुल अलग हो गया, क्लियर। और ये इसका मटेरियल, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है जिससे पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ क्या रह गया, रेडियो एक्टिव, नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड, नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड, नो रेडियो एक्टिव एस सेल्स में डिटेक्ट ही नहीं किया गया, नहीं ट्रांसफर हुआ उसमें। प्लस जो निकाला सुपरिंटेंड निकाला उसमें डिटेक्ट हुआ, जब सेपरेट किया गया मिक्स करने के बाद उसमें 35S जो सल्फर जो है डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, क्लियर। ये वहाँ डिटेक्ट किए गए, सेपरेट हो गए थे तो सुपरनेटेंट में। इसमें क्या हुआ, रेडियो एक्टिव इसमें डिटेक्ट हुआ फॉस्फोरस, ठीक है। ये फिर एक बार प्रूव कर रहा है कि डीएनए कंटेन, डीएनए इज द जेनेटिक मोटर डिटेक्टेड इन सेल्स, डीएनए ट्रांसफर होता है बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस, नो रेडियो एक्टिविटी, इसमें कोई सुपरिंटेंडेंट में नहीं आया, नो रेडियो एक्टिविटी, क्लियर। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है, देखो ये 12th के चैप्टर हैं, ये एक दिन में ख़त्म नहीं होते, एक एक टॉपिक को ठीक से समझना। मैं फास्ट समझा दूँ और फिर मैं तो समझा ही दूँगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा तो क्या मतलब है। अगर मैं उसको 10 बार ही पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ, पर आप तो पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो ये देखिए, तो क्या हुआ, बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुआ वायरस से,
जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो रेडियो एक्टिव रहा, जिससे इंडिकेट किया था डीएनए वाज द मटेरियल जो पास हुआ वायरस से बैक्टीरिया में, वायरस से बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफ़र हुआ, डीएनए। ओके, प्रोटीन एंटर नहीं किया बैक्टीरिया से, वायरस से बैक्टीरिया में, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए वर्सेस आरएनए, ये तो टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। अब डीएनए वर्सेस आरएनए क्या फ़र्क है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है पता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। ओके, आरएनए किस में जेनेटिक मटेरियल है, किसी किसी में है। ओके, टोबैको मोज़ेक वायरस में, टोबैको मोज़ेक वायरसेस में और क्यूबी बैक्टीरियोफेज में, ठीक है, इसमें डीएनए, वैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है पर आरएनए जो है वो भी किसी किसी में है, तो हमें डीएनए को प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है जबकि आरएनए एक्ट एज अ मैसेंजर। ओके, तो हम इसमें एक तरह से ये कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या क्या खासियत होती है, एक तो रेप्लिकेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए केमिकली स्ट्रक्चर, और स्कोप होने चाहिए उसमें म्यूटेशन के। ओके, तो कुछ कुछ क्वालिटी होती है जिससे पता लगता है कि ये आरएनए है ये डीएनए है। ओके, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, एक तो रेप्लिकेट है ना, अपने जैसा रेप्लिकेशन कर सके, दूसरा स्टेबल होना चाहिए, क्लियर, केमिकली और स्ट्रक्चरली, और इसमें स्कोप होना चाहिए म्यूटेशन का, स्लो चेंजेस का। ओके, और मेंडेलियन करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें वो फुलफ़िल करना चाहिए कोई भी जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं जेनेटिक मटेरियल के। ओके, तो कुछ एग्जामिन करते हैं कि बोथ न्यूक्लिक एसिड हमें चाहिए डीएनए आरएनए टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन के लिए। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में। ओके, स्टेबल होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा। ओके, तो प्रोटीन इसमें फेल कर जाता है। ओके, स्टेबिलिटी जो है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की, जो कि ग्रिफ्स प्रिंसिपल में भी हमें दिखी है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में। ओके, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट ऑफ डीएनए में दो स्ट्रैंड जो हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, अगर सेपरेटेड बाई हीटिंग दे कम टूगेदर, तो एप्रोप्रिएट कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, टू ओएच ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए न्यूक्लियोटाइड में आरएनए के, इन आरएनए इज़ अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक आरएनए लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल। ओके, आरएनए में क्या होते हैं, टू डैश ओएच ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। ओके, और दूसरा आरएनए जो होता है वो एज अ कैटलिस्ट भी बिहेव करता है, कैटेलाइटिक होता है। ओके, रिएक्टिव होता है, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन रिफर, इससे थाइमीन की जगह जो यूरेसिल प्रेजेंट होता है उसमें,
वो भी उसको एक स्टेबिलिटी देता है आरएनए। स्टेबिलिटी देता है, ओके। तो वायरसेस जो आरएनए जीनोम होता है उसमें शॉर्ट लाइफ स्पेंस होती है। क्या होता है, क्या क्वालिटीज़ हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन, म्यूटेट एंड इवॉल्व जो होता है, म्यूटेशन मतलब चेंज उसमें फास्टर होता है। तो आरएनए डायरेक्टली कोड करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, तो इस कारण वो इजीली एक्सप्रेस करता है करेक्टर्स। डीएनए जो है डिपेंडेंट होता है आरएनए पर, डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए। किसके लिए, प्रोटीन को सिंथेसिस करने, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्लियर। तो प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी इवॉल्व हुई है आरएनए में। तो इस डिस्कशन से हम पता लगता है आरएनए डीएनए जो दोनों जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, डीएनए इज बीइंग मोर स्टेबल किसके लिए, मोर स्टेबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए बहुत स्टेबल है, और फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जेनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं वी कैन से ट्रांसमिशन विल बी द क्लियर वर्ड, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में आरएनए बेटर है, ठीक है। पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए स्टोरेज करने के लिए डीएनए बेटर है, ओके। तो आरएनए का हम ये कहेंगे कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है और एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशंस, ओके। और इट इवॉल्व अराउंड आरएनए जो है एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट। तो इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन भी है लिविंग सिस्टम में जो कि कैटलाइज किए जाते हैं आरएनए से, ओके। कैटलिस्ट किस में है, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस में, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, ओके। तो डीएनए जो इवॉल्व हुआ आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन से, तो उससे वो ज़्यादा स्टेबल बना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस में, ओके। जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड साथ में जाते हैं, तो डीएनए का जो मॉडल है जो मैंने आपको पहले भी बताया है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का जो है कि उसको ज़्यादा स्टेबल बनाता है डीएनए का जो स्ट्रक्चर है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है इसका आप अगर डायग्राम देखेंगे, इट विल बी लाइक दिस, दूसरा स्ट्रैंड ऐसे जाएगा, ओके। और ये ऐसे रेप्लिकेट होता है, बाकी तो पता ही है डबल स्टैंडर्ड है तो ऐसे जाएगा, इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल गो लाइक दिस, और दूसरा स्टैंड ऐसे जाए, और वो तो आपको पता है ना, एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन ये लगातार रहेंगे, ओके। इस तरह से सेपरेट होगा ये जो है इसमें, और आपको स्टेबल डायग्राम चाहिए तो एक एक बनाऊंगी तो इट विल टेक टाइम, आप क्लियर हो ही गया आपको। ये आपका वॉटसन क्रिक मॉडल है
डीएनए रेप्लिकेशन, कैसे रेप्लिकेट होता है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है, डबल स्टैंडर्ड रहता है, ओके, और रेजिस्ट चेंजेस में को रेजिस्ट करता है ये डीएनए रेप्लिकेशन का। वॉटसन क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ओके। तो इसके जो नाउ आपने देखा डीएनए रिप्लिकेट करता है, ये सबसे पहले किस में देखा रेप्लिकेशन, इसका ई कोलाई में देखा है, फिर शिचरेचिया कोलाई बोलता है इसको, फिर हायर ऑर्गेनिज्म में देखा गया, ओके। तो ई कोलाई को एक मीडियम में ग्रो किया गया हैवी आइसोटोप के, अमोनियम क्लोराइड के, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। तो हम देखा हमने कि नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गई नए डीएनए में, और साथ साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी जो है रेप्लिकेट हो गए, सिंथेसाइज हो गए, इनकॉर्पोरेट हो गए। तो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश हुआ नॉर्मल डीएनए से सेंट्रीफ्यूगेशन से, जब सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट डाला गया, ओके। उसके बाद उन्हें इसको नॉर्मल मीडियम में ट्रांसफॉर्म किया। देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे ई कोलाई था, ई कोलाई को किस में ग्रो किया, ग्रो किस में किया, ठीक है, ये क्या है, ये हैवी आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ओके। तो जो 15N था वो इनकॉर्पोरेट हो गया किसमें, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में, नॉर्मल डीएनए से कैसे करेंगे हम इसको, हैवी डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, इट इज़ अ हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे सेपरेट करेंगे, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आप कभी लैब में जाके देखना, बहुत सारी टेस्ट ट्यूब होती है और उनको बहुत फास्ट घुमाते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है मीडियम, किसमें, सीजियम क्लोराइड में किया गया, ओके। और उसके बाद उन सेल्स को नॉर्मल जो था हैवी आइसोटोप, नॉर्मल जो है 14NH4Cl मीडियम में डाला गया सेल को, देन दे ट्रांसफर द सेल सेल उसके बाद क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सीजियम क्लोराइड मिक्स किया गया, मिक्स किया उसके बाद ट्रांसफर किया नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में, और सैंपल लिए गए डेफिनेट टाइम इंटरवल से, और जैसे सेल मल्टीप्लाई किए उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया डीएनए जो कि रिमेन रहा, डबल स्टैंडर्ड दे दिया। जब एक्सट्रैक्ट किया डीएनए तो कैसा था, इट रिमेन्स डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, ओके। तो वेरियस सैंपल वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली, और इसका हम इसमें डायग्राम भी देख सकते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया, वन जनरेशन फ्रॉम अदर ट्रांसफ़र किया गया इसको, और ई कोलाई इसमें डिवाइड हो गया, ओके। तो सेपरेशन ऑफ जो डीएनए था, तो डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर 15N से 14N मीडियम में, ओके। तो उसमें क्या था, हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी थी जिसको ट्रांसफ़र किया गया 15N से 14N में, ई कोलाई में उसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट थी, इट वाज द इंटरमीडिएट डेंसिटी, ओके।
तो 40 मिनट्स के बाद किया गया। इसका डायग्राम भी मैं आपको बना के बताती हूँ कि किस तरह से इसमें चेंजेस आए जब इसकी स्टडी की गई। तो इसमें हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी। ओके, तो एक्सपेरिमेंट किया था मेर्सलेन एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट जो है, जो जिसके बारे में अभी बात कर रही थी। तो वी कैन मेक दिस लाइक दिस, जैसे हम एक सिंपल एक शॉर्ट डायग्राम बना देते हैं इसका। आप भी साथ साथ बनाइए, तभी कोई भी चीज़ क्लियर होती है। ओके, तो ये जो हैवी आइसोटोप था इसका 15N DNA, फिर आफ्टर 20 मिनट्स लाइक दिस। ओके, दिस इज जनरेशन वन, और ये हो गया 14N DNA, दिस इज 15N DNA। तो हमने पहले 15N जो हैवी आइसोटोप था उसको सिंथेसाइज किया, नियरली सिंथेसाइज DNA था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी थे, और इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ये इस तरह से ये दो स्ट्रक्चर बन गए। ओके, तो ई कोलाई कितने में डिवाइड हुआ, 20 मिनट्स में डिवाइड हुआ, और इसकी इंटरमीडिएट डेंसिटी थी। फिर DNA एक्सट्रैक्ट किया कल्चर में आफ्टर जनरेशन कितने, 40 मिनट्स के बाद। क्लियर, तो वो किस तरह से वो स्ट्रक्चर आएगा। ओके, तो 40 मिनट्स के बाद भी देखो जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनेगा, सी है। हम इसको अलग कलर में भी बना सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा। 40 मिनट्स बाद जो स्ट्रक्चर बना जिसको हम बोलेंगे, जनरेशन सेकेंड, ओके, फोर्टीन एंड फिफ्टीन एंड, ओके लाइक दिस, इट सेपरेट्स। ओके, इस तरह से आफ्टर 40 मिनट्स ये चेंजेस आएंगे। ये वन समय, ओके, तो ये जो था ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से बनेगा 15N 15N, देन नेक्स्ट ये हाइब्रिड, ये बनेगा हैवी, और ये आफ्टर 20 मिनट्स ये बनेगा, दोनों का मिक्सचर है हैवी आइसोटोप और उसका, तो ये आएगा हाइब्रिड। क्लियर, एक मिनट इसको रिमूव, वंस अवे, थोड़ा सा क्लियर नहीं बना। अब एक और स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, आफ्टर 40 मिनट्स वाला जो स्ट्रक्चर है, तो ये हाइब्रिड नहीं रह के इसमें इस तरह से बनेंगे दो स्ट्रक्चर, ये देखिए।
ये सेपरेट हो गए 14N 14N, ये 14N 15N, ये लाइट हो गया और ये हाइब्रिड हो गया और ये भी आएगा 14N. हुआ क्लियर? ये है आपका मैसलसन एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट. ओके, तो डीएनए जो एक्सट्रैक्ट किया गया कल्चर से वन जनरेशन के बाद आफ्टर द ट्रांसफ़र फ्रॉम 15N से 14N मीडियम में, दैट इज़ आफ्टर 20 मिनट्स, ई कोलाई डिवाइड हुआ और हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी बनी. फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया कल्चर में आफ्टर अनदर जनरेशन 40 मिनट्स में, ये बात सेकेंड जनरेशन में. ओके, तो कंपोज, तो उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड और लाइट डीएनए पाए गए, ये स्टडी की गई. तो इसके बाद ई कोलाई को अगर 80 मिनट के लिए रखते हो तो क्या होगा, इसके लिए भी प्रपोर्शन होगा लाइट और हाइब्रिड का. इसके लिए भी आगे बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए और फेबा बीन्स पे किए गए कि टेलर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में. सिमिलर एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? सिमिलर एक्सपेरिमेंट वीसीआ फेबा ने किए थे फेबा बीन्स पे. सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स. ओके, तो ये इस सब से हमें ये क्लियर हुआ कि क्या कैसे ट्रांसफ़र होता है जीन्स का और कैसे ग्रीव करता है ई कोलाई में, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा. आज हमें ये सब क्लियर हो गया, अब हम पढ़ेंगे द मशीनरी एंड द एंजाइम्स. नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल कवर करेंगे. आई होप आज जो मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो. ओके, थैंक यू.